नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ में। तो आज आपको दिखाने जा रहे हैं उर्सस का जो W27 ट्रैक्टर है ना जी, W28 C328 ट्रैक्टर है। काफ़ी अच्छा मॉडल है और इस मॉडल को काफ़ी चर्चित रखा लोगों ने, क्योंकि कुछ ही कोटे आए। तो क्या था कि इस कोटे आने का कारण भी कई सारे थे, वो आपको जानकारी वीडियो के अंत में मिल जाएगी। बाकी तब तक मैं जो हमारे सर हैं उनसे कांटेक्ट कराता हूं, उनसे आपका परिचय कराता हूं। वो ट्रैक्टर बिल्कुल चालू है, जो किसान हैं वे बड़े ही उत्सुक हैं इस ट्रैक्टर को रखने के साथ में, और भी ट्रैक्टर चला रहे हैं मैसी फर्गुसन का। बाकी आप वीडियो के अंत तक बने रहना, तो इनका परिचय इनसे कराते हैं। और नमस्कार जी। नमस्कार जी, एक बार अपना हमारे दर्शक भाइयों को अपना परिचय करा दो जी। मैं गाँव पांची का रहने वाला हूँ जी। मेरा नाम राजसुदन त्यागी नाम है जी। मेरे पिता फादर का नाम फकीरचंद त्यागी है जी। तो आप ये ट्रैक्टर जो आप लेके आए, आपके पापा जी लेके? मेरे पापा लेके आए। अच्छा, आपके पापा जी लेके आए। कौन से सन में लेके आए जी? 70 में लेके आए जी। आपको ये याद है कितने रुपए का आया ये ट्रैक्टर? ये 24,800 का आया जी। कुल 24,800 का? फर्स्ट ओनर मतलब नया? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ की एजेंसी से निकाला जी, याद है आपको कुछ? नहीं, हमने पुराना लिया। अच्छा, कुछ चला हुआ लिया, कोई बात नहीं। अच्छा एक चीज़ बताओ, जैसे आपने ट्रैक्टर चलाया, कोई इसमें आज तक कोई ऐसी कमी आई हो जो दूर ना हुई हो? ना ना ना, कोई कमी नहीं आई, बहुत बढ़िया। कोई ऐसा स्पेयर पार्ट हो जो नहीं मिला हो? नहीं नहीं, सब मिला है जी, सब मिला है। एस्कॉर्ट का सामान। अच्छा, कोई ऐसी यादगार बात हो जो इसने वो काम वहाँ फलाने दिन ऐसा खराब मजा बांध दिया हमारा? हाँ जी, वहाँ एक बार ट्रॉली फंस गई, फोर्ड ट्रैक्टर की ट्रॉली फंस गई। अच्छा जी, उससे तक नहीं निकली, फिर हमारे ट्रैक्टर ने निकाल ली। अच्छा, फोर्ड की ट्रॉली तुम्हारे ट्रैक्टर? हाँ, हमारे ट्रैक्टर ने निकाली। अच्छा अच्छा, तो फोर्ड वालों ने कह दी होगी ना, तू भी लगा ले एक बार। हाँ जी हाँ। तो फिर आपने कौन से गियर में निकाला इससे? तीसरे में जी। अच्छा, पहले के तीसरे? पहले के तीसरे। इसमें जैसे आप बता रहे थे दो न्यूटन है, कैसे? दो न्यूटन है इसमें। तो कितने गियर? चार गियर नीचे है, चार ऊपर है। आठ गियर है? आठ गियर है। अच्छा जी, एक बात और बताओ, गियर बॉक्स दिखा दो एक बार जानकारी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो जो ये है जी, ये गियर बॉक्स है किसान भाई? गियर बॉक्स है, ये क्लिच है। अच्छा, एक न्यूटन ये है, एक न्यूटन ये है? ये है जी, यू है एक न्यूट्रल से, ये कौन? एक न्यूट्रल यू है। तो बैक गियर ये एम बैक गियर? हाँ, एम बैक गियर है। अच्छा, ये हाई है, ये लो है? ये हाई है। अच्छा, ये लो है। अच्छा, ये क्या चीज़ है पीछे? दो लीवर? ये लीवर है जी, उसके पुली के दो कैसे हैं इसमें? ये दो हैं जी, एक इसका वह कावे हाइड्रोलिक पंप चला है जिसमें अंदर। अच्छा, पंप को कनेक्शन करने का? ये मतलब जो मतलब खाली ट्रैक्टर रोड पे चलाना था, इसे गियर को निकाल दो। अच्छा अच्छा अच्छा, और फिर इसे तो कैसा चलता था लोड वगैरह? बहुत बढ़िया, मतलब तेल वेल का खर्च? हाँ जी, किसी बात की कोई कमी नहीं है जी। जैसे थ्रेशर पे लगा हुए, छोटा ट्रैक्टर नहीं लगा था? अच्छा, एक जो ये चीज है, ये क्या चीज है इसके अंदर? ये तो हुआ जी, ऐसा है जैसे मतलब ट्रैक्टर में वो लगवा लेना लाइट। अच्छा, इलेक्ट्रिकल? बड़े तगड़े स्टार्टर से लग रहे, पहले स्टार्टरों में आवे थे ऐसे। ये इसका शायद वो है जी, क्या बोल रहे हैं इसे, ठंडे कर गरम का जो हीटर लेता था? नहीं नहीं, ठंडे का और गरम का। अच्छा, पानी ठंडा होना है और गरम होना यहीं से होना हेड से ही। अच्छा अच्छा, ये हेड है जी इसका। अच्छा, ये हेड है? हेड में से धुआं निकल। हेड चेंज कर दिया आपने? नहीं करा? न्यू का न्यू है, ओरिजिनल है। ये क्या चीज है जी? ये इसका वो है ऑयल प्रेशर। ऑयल प्रेशर? अच्छा, और सेल बड़ा हैवी है जी इसमें? ट्रक का तो ना लगवा दिया आपने? नहीं नहीं, पहले ही लगा हुआ जी, कोई अच्छी गैली आया है। ओरिजिनल है? ओरिजिनल है। और ये क्या चीज थी जी? ये है वो लगे हुए जी इसमें तांसी। हाँ जी। तो फ्रंट एक्सल आपने चेंज करा? हाँ, दिया? हाँ, ये चेंज करवाया जी। अच्छा अच्छा, दिक्कत थोड़ी थी वहाँ मावे काटने में। तो 25 लगा दिया आपने, 25 में? हाँ जी हाँ। तो एक चीज और बताओ, ट्रैक्टर अभी स्टार्ट हो जाता है? हाँ जी हाँ जी, खूब बढ़िया। कोई और ऐसी जानकारी लिफ्ट वगैरह के बारे में जानकारी दे? लिफ्ट बढ़िया नहीं? लिफ्ट बढ़िया नहीं थी? हाँ, जो बात सही है, साथ दी है। अच्छा अच्छा, तो किसान भाई आपको ये थोड़ी सी जानकारी यहाँ लिख के मिल जाएगी, आप देख लेना रोक कर। बाकी एक चीज़ और बताओ, लिफ्ट जो इसकी, जैसे पीछे आप इसे पीटीओ वगैरह पर चलाते थे, कभी इसके पिछले हिस्से में कोई प्रॉब्लम आई हो? कोई दिक्कत? घें घें की आवाज़? नहीं, नहीं, कुछ नहीं। आप हाइड्रोली उठ जाओ? बहुत बढ़िया हाइड्रोली, साथ ही हाइड्रोली। एक बार स्टार्ट करवा के दिखवाओगे जी इसे? हाँ जी बिल्कुल दिखवाओ। ये इसकी ये क्या चीज़ है? ये हाइड्रोली है जी। इसे ऊपर करते थे तो उठ जाता था? अच्छा, इसका कॉन्टेक्ट इन तारों से था? हाँ जी हाँ जी, प्रेशर है, मतलब तार इसमें। हाँ, मतलब पाइप। हाँ, ये क्या चीज़ है जी? ये हाइड्रोलिक, ये हाइड्रोलिक का फिल्टर लगा जी। ये घूम में तो ना? हाँ ना ना ना, घूमता नहीं है दोस्तों। देखो उस टाइम पे भी इसमें डिफरेंशियल लॉक आता था, बल्कि इन्होंने जाम कर दिया। ब्रेक व्रेक तो मजबूत है जी इसके, दो सिलेंडर के साथ में?
अच्छा डीजल एवरेज कितना था इसका लगभग? डीजल एवरेज तो बहुत ही ना के बराबर, फिर भी कितना ऐसा मान लो जो मतलब ऐसे खाली चलिया जब तक लीटर का आया। अच्छा हैरो खिचड़वा चले उस टाइम? खिचड़वा तो बारेडी कुछ नहीं मानना कुछ था। नहीं जी कुछ। कौन से गियर में चलावा थे? चौथे में चलाए मतलब हाई के चौथे गियर में? हाई के चौथे में दबे ही ना था? नहीं जी कतई मतलब दबे ही ना। अब तो पहले अब जैसे आपका 41 है कौन से में चला है? ये पहले में चला है जी। और न्यू हॉलैंड वो भी पहले में चला है। बहुत बढ़िया जी। अब ये कितना तेल ले जाए 41 जो है ये तो ज्यादा तेल खा है। अच्छा जी स्टार्ट करके देखें जी एक बार इसे। बिल्कुल तो दिखाओ जी स्टार्ट करके। हमारे राजा भाई भी स्टार्ट कर रहे हैं और एक बहुत ही युवा साथी है हमारे, हमें उम्मीद भी नहीं थी कि ये ट्रैक्टर स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जो है काफ़ी हम देखते रहना। और क्या नाम है इनका? ये देखो इन भैया का हाथ लगते ही एकदम काम हो गया और काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर। इसकी आवाज़ बड़ी अच्छी है जी, किट किट कर रहा है तो मैसी से भी बढ़िया आवाज़ दे रहा। तो दोस्तों इसकी आवाज़ के बारे में कमेंट करके बताना ये ट्रैक्टर आपको कैसा लगा। और किसान भाई अच्छा एक बात बताओ, आपके पास तो खड़ा है, बेचना चाहो? ना ना बेचना चाह रहे मैं तो चाह नहीं रहा जी। पिताजी की निशानी है ऐसा, यू नए के पैसों में बिक जाएगा 24 के 24 हजार में। अच्छा ना दे दोस्तों मना कर दी, बिल्कुल नए की कीमत में भी नहीं दे रहे। बाकी इनके पास एक न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर भी यही है देख सकते हो आप। और बाकी आपको वीडियो जैसी भी लगी हो कमेंट करना। धन्यवाद।